बड़ी गिरावट आई थी, आज सुबह थोड़ी रिकवरी के मूड में था, अब पिछले 5 मिनट में फिर से काफी तेजी से गिर रहा है श्रीराम फाइनेंस, इसका चार्ट जरा एक बार देखें सर। तकरीबन 2250 के आसपास यहाँ पे मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन है इस काउंटर को। कल का लो अगर मैं देखू तो 2257 का है, उससे पहले तकरीबन 2235 का लो था। तो ये जो 20-30 पॉइंट की रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है आने वाले कुछ 2-3 दिनों के लिए। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक ये काउंटर में कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ओवरऑल ये रेंज बाउंड है, फ्रेश बाइंग भी नहीं करनी है बिकॉज अपसाइड में भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल सकता बिकॉज अपसाइड कैप टूवर्ड्स 2500 दो से तीन बार अटेम्प्ट किया इसने क्रॉस करने का पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो 2500 का अपसाइड रेंज एंड डाउनसाइड में 2250 का सपोर्ट, तो इसी रेंज में ये काउंटर रहेगा। जब तक ये आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता नहीं है तब तक कोई भी नया ट्रेंड निकल के नहीं आएगा इस स्टॉक में। तो यह है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, कल बड़ी गिरावट आई थी, आज सुबह थोड़ा संभला बट अब फिर से यहां पर एक शार्प फॉल आपको आते हुए दिख रहा है, परेशानी इस काउंटर में बनी।